हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 10 पे, एंड दैट इज रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लास 7th। तो इस चैप्टर में हम लोग रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग रेट, इन सब चीजों के बारे में समझने वाले हैं। एनसीईआरटी में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं लाइन बाय लाइन, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में उन चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात, रेस्पायरेशन क्या होता है। देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स जो था, उसमें हमने पढ़ा था कि हम खाना खाते हैं, और खाना खा रहे हैं तो क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है ना। तो ये एनर्जी कैसे रिलीज होगी, हम सिंपल खाना खा रहे हैं, एनर्जी कैसे रिलीज हो गई। एनर्जी रिलीज हुई है उस खाने के ब्रेकडाउन से, और ये जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है सेल में होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन इज सिंपल अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज होने के साथ फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। और ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, उनके सारे सेल्स में। ठीक है, अब उसके बाद ये जो फूड का ब्रेकडाउन है, अगर उस ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो सिंपल आप कहोगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो आप सिंपली उसको कहोगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम एनएरोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनएरोब्स। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के डेफिनेशन को देखते हैं, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का यूज होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने में, तो आप उसको कहोगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ग्लूकोज से, वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रहा है। अब उसी तरीके से जो आपने एनएरोबिक रेस्पिरेशन को देखा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, तो जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा तो वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज से आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। देखो, एनर्जी दोनों ही प्रोसेस से रिलीज हो रही है, एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या इसको आप सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हो। एनएरोबिकली ये रेस्पायर करता है, और इसी प्रोसेस के थ्रू, यानी कि एनएरोबिक रेस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ही आप यूज करते हो ईस्ट को वाइन और बियर बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझ में आई, क्या समझ में आए, रेस्पायरेशन क्या होता है और रेस्पायरेशन के दो टाइप्स क्या होते हैं। अब हमारे बॉडी में ऑल्दो रेस्पायरेशन एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करें या फास्ट रन करें, साइकिलिंग, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग, इस तरीके से बहुत मेहनत वाला काम करें, तो हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ना, हम इतना तेजी से काम कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन बहुत, जितनी तेजी से हम काम कर रहे हैं उतने तेजी से ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पाता है हर एक सेल के पास। तो हमारी जो मसल सेल होती है वो क्या करती है, वो टेम्पररीली, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में टेम्पररी वो रेस्पायर करती है एनएरोबिकली। अब ये जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, इसमें ये मसल सेल्स में होता क्यों है, ताकि वो एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करे। यानी कि जब आप बहुत वेट लिफ्टिंग मान लो कर रहे हो, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना ज्यादा वेट को उठाने के लिए, या सिंपल अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, या आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, तो उस टाइम पे आप जितना तेज दौड़ने की कोशिश करोगे आपको उतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी आपकी बॉडी को। तो ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी तो हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, तो ज्यादा ऑक्सीजन जाना चाहिए, बट ज्यादा ऑक्सीजन जा नहीं पाता है, तो टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से मसल सेल में जो प्रेजेंट है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो जो ग्लूकोज है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो बनाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन गया और एनर्जी बन गई, तो ये जो एनर्जी है वो यूज हो जाएगी जो भी वो एक्सरसाइज कर रहा है। अब देखो, ये लैक्टिक एसिड क्या है ना, ये पार्शियल डिकम्पोजिशन है ग्लूकोज का, यानी कि ग्लूकोज अभी पार्शियली डिकम्पोज हुआ है, और इसके वजह से क्या होगा, जब लैक्टिक एसिड बॉडी में बन जाएगा तो लैक्टिक एसिड जहां जहां भी एक्यूमुलेट होगा वहां वहां दर्द होने लगेगा हमें, उस मसल्स में दर्द होने लगेगा, जिसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प्स। तो ये क्रैम्प्स क्यों हुआ है, क्योंकि मसल सेल्स ने रेस्पायर किया है एनएरोबिकली, क्योंकि आप कोई हैवी एक्सरसाइज या कोई भी चीज, फास्ट रन, ये सब चीजें कर रहे हो,
क्रैम्प हुए किस वजह से है, लैक्टिक एसिड के वजह से हुए। तो इस क्रैम्प का रिलीफ क्या है, कैसे रिलीफ मिलता है, हम या तो हॉट वाटर बाथ ले लें या फिर हम सिंपली मसाज करवा लें। अब ये मसाज या हॉट वाटर बाथ से रिलीफ क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो उस जगह पे उन मसल सेल में ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो ये जो लैक्टिक एसिड पार्शली जो ग्लूकोज डिकम्पोज हुआ है इंटू लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो यहाँ वाटर बना, क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, ऑक्सीजन मिल गया है, जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंप्रूव हुआ तो ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन मिला तो आपका लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, तो आई गेस सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट बात हमने बात की ब्रीदिंग की, रेस्पिरेशन में समझ में आ गया कि यानी कि फूड का ब्रेकडाउन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है, क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम चीजें हैं? तो देखो ब्रीदिंग जो है इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि जो भी हम एयर ले रहे हैं है ना अपने नॉस्ट्रल के जरिए, ऑक्सीजन रिच होता है वो, और जो हम एक्सपेल आउट करते हैं, जो हम गिव आउट करते हैं एयर, दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमने सांस लिया, वो आपका ऑक्सीजन, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन गया होगा, जब हमने सांस छोड़ी तो उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल हुआ है, और ये किसके जरिए हुआ, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जरिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, दैट इज लंग्स। तो इसमें आपकी ब्रीदिंग में दो काम होता है, पहला है आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन क्या है, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और उसके साथ साथ ऑल्टरनेट प्रोसेस होता है, पहले इनहेलेशन होगा फिर एक्सहेलेशन होगा, फिर इनहेलेशन होगा फिर एक्सहेलेशन होगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इंसान जिंदा है, ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है ब्रीदिंग रेट की, कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, एक मिनट में आपने जितनी बार भी ब्रीद किया, दैट विल बी योर ब्रीदिंग रेट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज 15 to 18 ब्रीदिंग रेट पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में हम लगभग इतने बार ब्रीद करते हैं। अब जब आप हैवी एक्सरसाइज या फास्ट रन करोगे तो ये कई बार ये जो नंबर है ना, ये नंबर बढ़ के 25 भी हो जाता है, 30 भी हो जाता है कभी कभी, तो इट्स नॉर्मल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड रनिंग, बट नॉर्मली जो है 15 to 18, 20 तक पहुंच जाता है पर मिनट ब्रीदिंग रेट, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। तो वन ब्रीद का मतलब क्या होता है, यानी कि एक बार आपने इनहेल किया और एक बार एक्सहेल किया, दैट मीन्स वन ब्रीद। तो ये टोटल आपका एक मिनट में कितना होगा, 20, अप्रोक्सीमेटली 20। अब एक चीज और कि जब हमको बहुत जैसे स्लीपी, जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो हमको बहुत यॉनिंग आती है, उसके साथ साथ जब हम कहीं बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो उस काम करने के बाद हम अचानक से बहुत ज्यादा तेज सांस लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत काम कर रहे हैं या फिर जब हमको थकावट होती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे मिलेगी, जब वो ज्यादा तेजी से ब्रीथ करे, जब ज्यादा तेजी से ब्रीथ करेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स में सप्लाई होगा, जब ज्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स में सप्लाई होगा तो ज्यादा फूड का ब्रेक डाउन होगा, जब ज्यादा फूड का ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा तो ये सारी चीजें ओवरकम हो जाएंगी, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें चाहिए वो ओवरकम हो जाएगा, तो इस वजह से हम स्लीपी या ड्राउजी के टाइम पे हम योनिंग भी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि हम ये ब्रीद करते कैसे, किस तरीके से हम हमारे ये प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले आपको पता है कि एयर जो है वो नॉस्ट्रल्स के जरिए, जैसे यहां पे आप देखिए, यहां पे ये आपका नोज है, ठीक है, एयर यहां से एंट्री किया, यहां से ये आपका नेजल कैविटी है, दिस इज योर नेजल कैविटी, ये आपका नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल से एयर कहां पहुंचा, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में ये आपका विंड पाइप है, ये क्या है, ये दिस इज योर विंड पाइप, ओके, विंड पाइप, इस विंड पाइप के जरिए ये आपका लंग्स है, लंग्स, विंड पाइप के जरिए ये जो एयर है इस लंग्स में चला जाता है, फ्यूचर में आप पढ़ोगे कि ये लंग्स में भी एल्वोलाय होते हैं जिसमें वो जाता है, तो फिलहाल अभी बस इतना ही समझते हैं कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। अब ये जो लंग्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में,
और इस लंग के ऊपर, ये तो उन्होंने अंदर से खोल के दिखा दिया। अब ये जो लंग्स है, जब आप इसको ऐसे ओपनली देखोगे तो इसके ऊपर ना इस तरीके से हड्डी, जो एक एक हड्डी होती है जो इस तरीके से पूरे कवर करके रखती है। अब ये कवर करने से क्या होगा, एक तरीके से इसको सपोर्ट करता है, इस ये जो लंग्स है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये हड्डी का नाम क्या है, इस बोन का नाम क्या है, दैट इज रिब्स। तो रिब्स जो है एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है लंग्स को, और ये जो है लंग्स को पूरी तरीके से कवर करके रखता है। ठीक है, इस रिब्स के आगे यानी कि इस लंग्स के आगे आपको यहाँ पे ये नीचे दिख रहा है एक मस्कुलर शीट दिख रही है, यानी कि फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो यानी कि हमने क्या कहा, ब्रीद में दो चीजें होती हैं, पहली बात आपका इनहेलेशन होता है, दूसरी बात आपका एक्सहेलेशन होता है। तो इन दोनों ही प्रोसेस में यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में दो चीजों के काम, दो चीजें काम में आती हैं, पहला तो रिब्स और दूसरा डायफ्राम, दो चीजों का मेन यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, अब देखो जब आपने इनहेल किया, आप इनहेल करके देखो, जब आपने इनहेल किया एयर जो है यहां से अंदर गया, ठीक है, यानी कि आपके जो विंड पाइप है उसके जरिए एयर अंदर गया यहां से। अब जैसे एयर अंदर गया तो आप इसको फील कर, अपने चेस्ट पे अपना हाथ रख के आप फील कर पाओगे कि ये जो आपका जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ऊपर और बाहर की तरफ मूव करेगा। और जो आपका डायफ्राम है ना वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी चेस्ट कैविटी का स्पेस इंक्रीज हुआ तो ज्यादा से ज्यादा एयर जो है वो लंग्स में जाएंगे और लंग्स पूरी तरीके से फूल जाएंगे, वो फिल हो जाएंगे किससे, एयर से। सेम जस्ट उल्टा प्रोसेस हो जाता है एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होगा, अब यहां से नीचे से चलेगा, ये लंग्स जो है ये सारा एयर जो है, अब देखो यहाँ पे आपने जो लिया दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, जो आप यहाँ पे लंग्स में आपने पहुंचा दिया, लंग्स से सारा का सारा एयर यानी कि ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो जाता है किसमें, आपके ब्लड में, वहां से सर्कुलेट हो जाएगा पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी से वो एक्सक्रीटा निकाल के आएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोबारा कहाँ डिफ्यूज हो गया, इस लंग्स में डिफ्यूज हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बॉडी से बाहर निकालना है ना, तो जितना भी ये जो रिब्स है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे और डायफ्राम भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, यानी रिब्स नीचे की तरफ मूव होगा और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव होगा, जिससे यहाँ का स्पेस जो है वो छोटा हो जाएगा और इसके वजह से एक प्रेशर पड़ेगा और ये सारा का सारा एयर जो है वो बाहर मूव हो जाएगा। मतलब सारा नहीं रिमूव होगा लेकिन कुछ जो एयर है, कुछ पार्ट ऑफ एयर जो है वो बाहर वहां से एक्सपेल हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो चेस्ट कैविटी उसका साइज रिड्यूस हुआ और एयर पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो ये दो प्रोसेस आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है ब्रीदिंग के टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि इफेक्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर। एक अपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा अपने एनसीआरटी में, तो यहाँ पे आपका एक जैसे टेस्ट ट्यूब है उसमें लाइम वाटर रखा हुआ है सिंपल। ठीक है, ये आपका लाइम वाटर है और लाइम वाटर में जब हमने यहां से फूक मारी तो फूक मारने में आपने भी देखा कि एक्सहेल में कौन सा एयर पास हुआ था, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास हुआ लाइम वाटर में, ये जो लाइम वाटर है टर्न्स इनटू मिल्की, एकदम जैसे लगेगा दूध रखा हुआ है इसमें। ठीक है, टर्न्स इनटू मिल्की, तो एक्चुअली रिएक्शन क्या हुआ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसमें गया, लाइम वाटर में, CaOH का होल ट्वाइस, जिससे क्या बना, जिससे बना CaCO3। ओके, जिससे क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर है दैट इज मिल्की, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और आपका वाटर बना, ये दो चीजें बनी जिसकी वजह से इसका कलर मिल्की होता है, इसी वजह से ये आपको मिल्की कलर में शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर रिस्पेक्टिवली में निकलता है। ठीक है, तो इनहेल्ड एयर में कितना ऑक्सीजन होता है और एक्सहेल्ड एयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी बात करते हैं। इनहेल, जब आपने एयर को इनहेल किया अपने नॉस्ट्रल के जरिए, जब आपने एयर लिया तो आपका 21% एयर अंदर गया और उसके साथ साथ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी गया। ऑब्वियसली जो आप एयर इनहेल कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं कि कोई सेविंग मशीन तो है नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जा सकता है। पहली बात, प्योर ऑक्सीजन भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरीके से मिक्सचर ऑफ जो एयर है वही लेने के हम अडेप्टेड हैं और वही हम ले सकते हैं। तो हमने ये मिक्सचर ऑफ एयर लिया और उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, लंग्स में पहुंचा। अब लंग्स में पहुंचा तो वहां से जब हमने एक्सहेल किया, जब डिफ्यूजन पूरे बॉडी से डिफ्यूज होकर जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल हो गए, तो देखो 21% ऑक्सीजन हमने लिया था जिसमें से 16.4% ऑक्सीजन जो है बाहर निकल गया।
ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% ही सिर्फ लिया था, लेकिन 4.4% बाहर निकला। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके जरिए भी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो भी हमारे बॉडी से बाहर निकला, यानी कि इसका नंबर बढ़ गया ना। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनहेल्ड एयर में परसेंटेज, इनहेल्ड एयर में परसेंटेज देखा जाता है और एक्सहेल्ड एयर में देखा जाता है कौन ज्यादा निकल रहा है। तो यहाँ पे ऑल्दो आप नंबर से देखोगे तो आपको ऑक्सीजन ही दिखेगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन निकल भी रहा है ना 21% अंदर गया तब 16.4% निकला है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अंदर गया लेकिन 4.4% बाहर निकला है, 4 गुना ज्यादा। तो ये हमारे बाकी ऑर्गन्स के डिफ्यूज होने की वजह से, मतलब बाकी ऑर्गन से जो ऑक्सीजन उसमें गया ऑर्गन्स में और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से डिफ्यूज हो गया ब्लड में और वो ब्लड लेके आया लंग्स के पास और लंग्स एक्सपेल हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उसका परसेंटेज शो कर रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन जाता है, रिच इन ऑक्सीजन जाता है, और एक्सहेल्ड एयर जो है दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात होती है जैसे हम ब्रीथ करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, इसी तरीके से और भी तो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रीथ करते हैं। जैसे पहला है आपका कॉकरोच, कॉकरोच जो होता है जब आप कॉकरोच को देखोगे उसके साइड में ना छोटे छोटे इस तरीके से टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पायरिकल्स। तो स्पायरिकल्स क्या है, स्मॉल ओपनिंग है ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी, और इस स्मॉल ओपनिंग के साथ साथ ना इसे ट्रैकिया, अंदर की तरफ ट्रैकिया निकले हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स या फिर एयर ट्यूब्स कहते हैं। तो ये क्या है, दीज आर ट्रैकिया। तो इनके वजह से क्या होगा, इनके वजह से होता है गैशियस एक्सचेंज। तो एक्चुअली काम क्या हो रहा है कि जो एयर है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन वो कहाँ गया, वो गया स्पायरिकल्स में, स्पायरिकल से गया ट्रैकियल ट्यूब में, ट्रैकियल ट्यूब से पूरे बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज हो गया, बॉडी टिश्यूज में पहुंचने के बाद हर एक सेल में गया, और फिर उसके बाद हर एक सेल से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है वो कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर मिक्सचर ऑफ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, बॉडी में डिफ्यूज हुआ, बॉडी से डिफ्यूज हुआ कहाँ पे, ट्रैकियल ट्यूब में दोबारा, और ट्रैकियल ट्यूब से स्पायरिकल्स में, और स्पायरिकल से वो बाहर निकल गया। तो इस तरीके से आपका जो ब्रीदिंग है वो चलता है कॉकरोचेस में, और इसके सिर्फ कॉकरोच में नहीं जितने भी इंसेक्ट हैं इन सब में यही काम होता है, यानी कि ये जो आपका प्रोसेस है यानी कि ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकिया के थ्रू या स्पायरिकल्स प्रेजेंट्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंसेक्ट, ये सिर्फ इंसेक्ट में पाया जाता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप का जो है। नेक्स्ट है आपका अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है वो आप उसको टच करके देखोगे ना उसका स्किन बहुत ही मॉइस्ट होता है, बहुत स्लिपरी होता है, तो वो जो अपना रेस्पायरेशन ना उन्हीं स्किन के जरिए ही करता है। तो अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, और इस स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करने को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। और इसी तरीके से जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स को भी आप ऐसे टच करके देखोगे अगर कभी, तो उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, और साथ साथ आपको ये भी पता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों ही तरीकों से रेस्पायरेशन करते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू यानी कि क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, और दूसरा पल्मोनरी रेस्पायरेशन, दोनों ही तरीके से रेस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रॉग्स जो है वो एम्फीबियंस है यानी कई बार वो पानी में भी पाए जाते हैं, कई बार जमीन पे भी, तो जब जमीन पे होंगे तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन करेंगे और जब पानी में होंगे तो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, अब बात नेक्स्ट आती है कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, तो अगर वो पानी में पाए जाते हैं तो पानी में कैसे वो रेस्पायर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिशेस। अब फिशेस जो हैं उनके अंदर गिल्स पाई जाती है, उनके बॉडी पे गिल्स पाई जाती है, गिल्स क्या है, वो स्किन का प्रोजेक्शन है, और गिल्स के जरिए वो जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्वड है ना उस ऑक्सीजन को ले सकती है गिल्स के जरिए, और ये गिल्स में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स जो है वो सप्लाई होती है, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है दूसरे ऑर्गन्स में, और फिर दूसरे ऑर्गन से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो जाता है दोबारा से इन ब्लड वेसल्स में, और इसी गिल्स के थ्रू वो बाहर भी चला जाता है। तो यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ऑक्सीजन एयर से ऑक्सीजन जो है वो अंदर आया, एयर से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में गया, और बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से सीधे बाहर चला गया। ठीक है, गिल्स के जरिए, यहाँ भी ऑक्सीजन गिल्स के जरिए ही बॉडी में आया और कार्बन डाइऑक्साइड भी गिल्स के जरिए ही बॉडी से बाहर गया, दैट इज ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब इसी तरीके से हमारे प्लांट्स जो है वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन को लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं, जितनी भी उनकी सेल्स होती हैं वो एक्चुअली फूड का ब्रेक डाउन करती है इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि हमारे में होता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में किस में होता है, प्लांट्स में जो लीव्स होती है ना उस लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसकी यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। अब इस स्टोमेटा में आप देखो साइड में गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है, तो इस स्टोमेटा के जरिए एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, अंदर ऑक्सीजन जाएगा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से जो आपके प्लांट्स के जो रूट सेल्स होती हैं वो भी ऑक्सीजन, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो भी एनर्जी जनरेट करती हैं, तो वो कैसे लेती हैं, ये आपके देखो सॉयल के पार्टिकल्स हैं, सॉयल के पार्टिकल्स हैं दो, इनके बीच में जो ये जगह बची है ना ये सारा एयर स्पेस है, तो इस एयर स्पेस से ये जो ऑक्सीजन है ये रूट में जाएगा और रूट में सारे के सारे ऑर्गन में वो डिफ्यूज हो जाएगा और यहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से इन्हीं एयर स्पेसेस में छोड़ देता है। तो इस तरीके से रेस्पायरेशन प्लांट्स में हो जाता है, प्लांट्स में भी और उनके रूट्स में भी। अब हमने ये हमें ये बात बताई कि प्लांट्स तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पर यहां मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन वो लेते हैं, तो देखो रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अलग अलग प्रोसेस है। रेस्पायरेशन में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस इज अनदर टॉपिक, लेकिन फिलहाल रेस्पिरेशन वाला टॉपिक जो है आई गेस आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो विद दिस थैंक यू।